उकरा के एक बार देखी, उकरा से मिलने, बड़ा होके वो कैसा दिखत होगी ये जाने। चले आई, बस इतना पता लगा ले कि वो कहाँ बा, कैसन बा, का करत बा, उकरा के कोनो तकलीफ तो नहीं खे, खुश तो बाना हो। हम यह जान करके अपना दिल के तसल्ली दे ले। श्रद्धा समझे की कोशिश करा, हमार मन बहुत बेचैन बा, जब तक हम उकरा के एक बार देख न ले, मिल न ले, हमार मन नहीं माने। श्रद्धा सिद्ध मत करा। मान ला कि कैसे भी करके हम ओकर पता लगा ले, तब फिर का मिलबू तू ओकरा से, बतेबू ओकरा कि तू ओकर असली माई बाड़ू और वो तहार बेटा बा। वो 100 सवाल पूछी, का बतेबू, का जवाब देबू ओकरा के। काहे हमने ओकरा का अनाथालय में छोड़ देली, तो का बतेबू ओकरा से, बोल देबू कि वो हमने के ब्याह के पहले का औलाद बा, यही से ओकरा के ओकर त्याग करे के पड़ल। वो पूछी कि हमें ओकर कौन गलती रहा, ओकरा के काहे के माय बाप से दूर रखल गेल, काहे के ओकरा अनाथ बना के रखल गेल, आपन माय बाप के रहते काहे के ओकरा के दूसर के माय बाप के कह के जरूरत पड़ता। का जवाब देबो, का जवाब देबो तब। वो पूछी कि कैसे माय बाड़ो तो अपन औलाद के पैदा करके फेंक दे लो, अपन ममता से अपन प्यार से सबसे दूर रख लो करके, एक बार अगर सुध ना ले लू, एक बार ये भी ना पूछ लू कि बेटा बेटा तू कैसन बड़ा, एक बार तू ओकरा देखे ना लू, का जवाब देबो, बोलो श्रद्धा का जवाब देबो ओकरा के। श्रद्धा तारा से 1000 सवाल पूछी, तारा पास कोनो बात के जवाब ना रहे। मान ला तू अपन सफाई दे भी देलू, तब सब बात जान के तारा से नफरत करे लगे, तो का तू अगर नफरत साफ देबू, ओकरे आंखी में आग डाल के तुकरा से बात कर पीबू श्रद्धा। ये बर्दाश्त कर लेबू कि तुहार हो बेटा, जकरा से मिले खातिर तू 24 साल से तड़पत बाड़ू, और तहरा से मिलला के बाद तहरा से घृणा करे, नफरत करे, तारा के दोषी माने।
की हम का सुनत हई? आप खुद सम्राट के पटना छोड़े से मना कह देली? हाँ। वो तारा बतावल जरूरी नहीं के। पर बतावे के पड़ी। दो दिन से हम चुप रहे, पर अब चुप ना ही बैठे। जोन सम्राट के पटना से भगावे खाते एड़ी चोटी के जोड़ लगा दे, घर में आफत मचा के रख दे। अब ऐसन का हो कि उस सम्राट के आप खुद जाए से रोका थे? पहले अपन बड़ा बड़ा पहचान के हवाला देके ओके डरावत रहली, धमकी देत रही। अगर वो पटना ना ही छोड़लस तो अंजाम अब का हो गए? का सम्राट गलत से सही हो गए? आप अब गलत फहमी दूर हो गए? नहीं। फिर कहे ओकरा के पटना छोड़े से मना करत है? जाए दी ओकरा के, कम से कम आपके दिल के सुकून तो मिली। काली ना कि ओकरा के पटना छोड़े से मना करता, बस का है कौन है वजह से ये सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। ठीक बा, ना ही पूछो, पर दूसर कुछ पूछो। जौन दिन सम्राट यहाँ कह के गेल रहे कि आप कोनो दूसर औरत के धोखा दे रहल बानी, वही दिन से हम सोच सोच के परेशान हैं कि वो दूसर औरत के है। देखा तू ना, तू बेकार में अपना दिमाग मत खराब करा। वो लेका जे हमार सब पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ ले गेले और आपन गलती छुपावे खातिर हमरा पर झूठा उल्टा सीधा इल्जाम लगावत रहल, ताकि तू लोग के दिमाग हमरा गलती पर से हट जाए। और हाँ, ये होत बा, लेकिन अगर ओकर बात सच निकल तो देखी, अगर वो दूसर औरत रूपा बा तो हम कुछ नहीं बोलब, कहे कि हमरा के भी दुख बा, ग्लानी बा कि एक औरत के हम ओकरा पति से दूर करके गुनाह कह दिले। लेकिन अगर वो दूसर औरत हम बानी जिक्रे संगे आप धोखा के लिए, तो अंजाम अच्छा नहीं होगी। श्रद्धा, तू बेकार के बात मत करा। देखी, आज नहीं तो कल सब पता चल जाए, का सच बा का झूठ। हम भगवान से प्रार्थना करब कि ई सब बात झूठ निकले। लेकिन अगर हमके पता चल गए कि आप हमके धोखा देने वाले, तो हम आपके कब्बो माफ नहीं करब, कब्बो नहीं। रोए से का फायदा? भगवान आपके बेटा ना दलन तो हर का दोष बा। लेकिन सुना, अब जब तू सुनबो ना बिल्कुल खुश हो जाए। कल हम अनाथालय जाके ना एक लेका के लिए, बड़ा सुंदर लेका, कल हम निकल के ओकरा के गोद ले ले, हमारा बेटा हो जाए और हमनी के सब मनोरथ भी पूरा हो जाए। हाँ, इन्हें देखा अब तो खुश बारू ना। बेटा के कैसन बाबू? श्रद्धा के हुआ ना था आके अपने के बेटा के गोद ले गए। अगर दूसरा औरत हम बाम बात जिक्रे संगे आप धोखा दे तो अंजाम अच्छा नहीं, तो अंजाम अच्छा नहीं, तो अंजाम अच्छा नहीं। Thank you.
भौजी, आई भौजी। बैठिए। भौजी, बाबूजी कैसन हमन? उ तो ठीक हवन, बाकी तू रोवत काहे रहलू? हम नहीं तो झूठ मत बोला, सच सच बताओ का भेल, तू काहे रोवत रहलू? का दामाद बाबू संगे कोनो बात भइल? अगर ऐसन बात है तो उदास मत होखा, मियाँ बीबी के बीच थोड़ बहुत खटपट हर घर में होखेला। भौजी, हम एकदम अकेले हो गए भौजी, केहू भी ना हमरा पास जिससे हम अपन मन के बात कह सके, अपन दुख हल्का कर सके। गजबे बात है, दामाद बाबू था ना तोरे संगे, फिर काहे ऐसन कहत हो? अरे भौजी, वो हमरे संगे नहीं हमर। समय पटना गई लवन। पटना? पटना का है? वो पटना अपना बाबूजी के पास गई लवन। बाबूजी के पास? हम कुछ समझनी नहीं। भौजी, हम जो कहे जाते हैं वो हम गांव में क्यों के नहीं बताए? नहीं बताए पूजा, बोला। जी, ये हमारे सास के सगा बेटा नहीं अपन। हाँ भौजी, सच है, हमार ब्याह के बाद हमार सास हमरा से बदला लेवे खातिर जब हमरा पे जुर्म ढावत रहली तो ई उनका विरोध कैलन। एक बार माँ और बेटा में काफी कहा सुनी हुई, वही समय हमार सास बतौली कि ई उनका सगा बेटा नहीं हबन, खाली बदला लेवे खातिर का इस्तेमाल करत रहली। गजबे बात है, तो फिर दामाद बाबू के माई बाबूजी के है? इनके माई के तो हमने की जाए, पर इनके बाबूजी हमारे ससुर ही है जो हमारा सास के संगे नहीं रहे। इनकर बाबूजी तहार ससुर हवन, बाकी तहार सास दामाद बाबू के माई नहीं। बाप रे, दिमाग हमर जाता नियन घूम गए। अच्छा, जब ही दामाद बाबू के पता चल फिर कब है? वो पहले अपना बाबूजी के खोज पटना गए रहला, उनका की खोजले के चक्कर में सब कुछ भुला दहला, हमरा के भी। पर गुड्डू भैया को घायल करवाने के पीछे किसका हाथ था? याद नहीं है सेठ, वो कहा है कि हमें धंधे का असूल है, हम सिर्फ मारने वाले को याद रखते हैं, मरवाने वाले को नहीं। आदमी को तो उसूल का पक्का होना ही चाहिए, और हमको हमको आपके जैसे आदमी की ही तलाश थी। पर याद रहे, ये काम बहुत ही होशियारी से होना चाहिए, और शिकार बचना नहीं चाहिए। टीका के हाथ से आज तक कोई शिकार बचा नहीं, बोलो किसको मरवाना है? एक लड़का है, नाम है उसका सम्राट।